सो हेलो दी गाइस, वेलकम टू गोवा। और आज का व्लॉग सीधा गोवा से ही शुरू हो रहा है। तो अभी जो लास्ट नाइट हम लोग लैंड करे गोवा पे, और वहाँ जो एयरपोर्ट के सबसे पास में जो होटल पड़ता था, हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। तो वो था बेसिकली साउथ गोवा में, और वहाँ पर जैसा कि हमें बताया गया था, मतलब को कचहरी वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम तो आए यहाँ पर भाई मस्ती करने के लिए, चिल करने के लिए। तो अपने को आना था नॉर्थ गोवा, ठीक है। तो अभी हम लोग नॉर्थ गोवा में, और जो बीच है ठीक उसके सामने हमने होटल ले रखा है, और अभी चेक इन भी कर लिया। तो चलो अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को रूम कैसा है। ओके, तो हाय हाय, ये कौन दिख गया भाई सामने? ओ माय गॉड, सो दैट्स मी अगेन। ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ द रूम। ओके, तो मतलब दो जन के लिए तो काफ़ी अच्छा खासी है। इधर है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, देखते हैं कुछ है भी क्या। सॉरी, खाली है, लेकिन इस पर हम लोग कुछ ना कुछ भर ही देंगे। और यू नो गाइस, गोवा में आने के बाद पता ही क्या होता है यहाँ पर, तो आइडिया लगा सकते हो फ्रिज में क्या जाने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ जो अपना विंडो है, ठीक है, विंडो से भाई सामने ही दिखता है उधर पे एक शॉप। हाँ, तो सीन ऐसा है कि हम लोग विंडो से ही विंडो शॉप कर ले रहे हैं। अब नीचे जाके खरीदेंगे जो पसंद आता है अपने को, एंड अभी सीधा मिलते हैं बीच पे। तो भैया, सैड लाइफ हो तो ऐसी, मतलब गोवा जाने की उम्र में मैं गोवा में ही आया हुआ हूँ, गांव नहीं जा रहा हूँ। यार पीछे की तरफ देखो क्या नज़ारा है। द बीच इज फाइनली हियर। ओके, तो भाई जो ग्रुप थी अपनी संदकफू वाली ट्रिप थी, वही ग्रुप अपने साथ थी, तो आई डोंट थिंक इंट्रोड्यूस कराने की किसी को ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी का नोटिस कर रहा हूँ ना, काफ़ी सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ पर, और मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है। और यार इंडियन लोगों की ये क्या ही आदत है, मतलब क्या बोलूँ, फॉरेनर जहाँ दिख गया भाई सेल्फी लेने के लिए परेशान कर देना है, क्या बोलूँ। और से देखिए इस इंसान को, अभी हमें कह के गए थे कि जाते हैं थोड़ा डुबकी लगा के आते हैं, और ये देखिए सूखे सूखे वापस आ रहे हैं। सामने आने दीजिए थोड़ा, क्या बात, वापस क्यों आ गए थे? कोई हरियाली नहीं है, मतलब ठंडा ही ठंडा है, ठंडा ही ठंडा है, पानी ठंडा है। ओके गाइस, तो फाइनली अभी मैं सोच रहा हूँ समुंदर में जाकर डूबने का, ठीक है, तो ये उठाते हैं भैया जी, घर होल्ड करेंगे। बड़े ही दुख की बात है कि जैसा फील पहली बार समुंदर में एंटर किया था, इस बार उतना कुछ फील हुआ नहीं, मतलब नॉर्मल लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है, आधा नंगा भटक रहा हूँ। ओके, और एक चीज़ मैंने क्या देखा ना, मतलब लोग आगे सेल्फी ले रहे हैं अपने साथ में, तो वो मिनट मैंने कैप्चर किया नहीं, ठीक है। तो बातें हुई है इंस्टाग्राम पे, फॉलो बैक हो गया। ओके, तो ये सब चल रहे हैं भाई इधर पे, वही ना, अपन तो मज़े ले रहे हैं बस। ओके गाइस, तो यहाँ सनसेट का मज़ा हम ले चुके हैं, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी, मैं मज़े लेने बिजी था। ओके, तो शाम हो रही है, और गोवा की जो नाइट लाइफ है वो अभी बेसिकली शुरू होने की है। ओह माय गॉड, बगल में अभी कोई पूजा वूजा का गाना बजा रहा था, तो भाई यहाँ जो वाइब्स मेरे को आ रहे हैं उस हिसाब से, तो मतलब वो सब गाना बजाने का कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है, मतलब इस माहौल के हिसाब से वो सूट करता ही नहीं है। ओके, और यार गोवा की भाई बात ही अलग है, साउथ इंडिया में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं पहले गोवा नहीं आया था, लेकिन यहाँ जो वाइब्स आ रहे हैं ना, मतलब सवेरे से ही मतलब मेरे को लग रहा है कि कुछ अलग है जगह में, कुछ तो बात एक अलग ही मजा है। तो अब रूम की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग फिर, और इसके बाद रूम से हम लोग फिर वापस आएंगे इधर, क्योंकि भाई नाइट लाइफ का भी तो मज़ा रहना है। और लाइटिंग की प्रॉब्लम की होने की वजह से मेरा GoPro लो लाइट पे शूट नहीं कर पाएगा, तो आगे की चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। ओके, कि कैसा हो रखा है, आई होप मेरा कैमरा कैप्चर कर ले, कर तो रहा ही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत लाइटिंग एंड ऑल चल ही रहा है। सो मिलते हैं शाम को, अब हम चलते हैं रूम पे, उसके बाद मिलते हैं शाम को,
नहीं शाम को नहीं मिल सकते, मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि दिखे गए नहीं, क्योंकि तो कल मिलते हैं अब सीधा। सो सी यू गाइस। अच्छा है ना, दौड़ने में मजा आएगा यहाँ पर। अच्छा चलना मुश्किल है।